हमारे बॉडी की लगभग 70% एनर्जी जो है हमारी डाइजेशन या चयापचय पे खर्च होती है। ये काफ़ी बड़ी एनर्जी का हिस्सा है जो हम वेस्ट में खर्चा करते हैं, जिससे बाकी चीज़ों पे अच्छे से हम कर नहीं पाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम 16 घंटे उपवास किस तरह से करना है, उससे क्या लाभ होने वाले, ये सब जानने वाले हैं। तो ये आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, तो आखिर तक बने रहना है और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आज की हमारी जो लाइफ है काफ़ी फास्ट है, इसका हमारे खान पान भी काफ़ी अलग तरीके का हो चुका है। हम बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से हम खा रहे हैं या गलत समय पे खा रहे हैं, इसका हमारे बॉडी पे काफ़ी गहरा असर हो रहा है। इससे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है। तो इन सब से बचने के लिए एक अच्छा रास्ता है कि हम 16 घंटे उपवास करें। ये थोड़ा सुनने में अलग लगता है, लेकिन हकीकत और उतना ही इजी वे है हमारी बॉडी को स्ट्रांग और साफ़ सुथरा रखने का। तो देखो, हमारे बॉडी की लगभग 70% एनर्जी जो है हमारी डाइजेशन या चयापचय पे खर्च होती है। ये काफ़ी बड़ी एनर्जी का हिस्सा है जो हम वेस्ट में खर्चा करते हैं, जिससे बाकी चीज़ों पे अच्छे से हम कर नहीं पाते हैं। तो बेसिकली हमें एक इजी वे में ये सब चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी शाम का जो भोजन होता है, रात का खाना, शाम के 7 बजे आपको खा लेना है, सूर्यास्त होने से पहले। अभी देखो, खाना खाने के बाद वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के लिए 4 से 5 घंटे की अवधि की ज़रूरत होती है। तो जब हम खाना खा लेंगे तो हमारा पूरा खाना रात के 1 बजे तक की पूरी अच्छे तरीके से पच जाएगा। उसके बाद बॉडी का मेन काम शुरू होता है कि हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिपेयर करने का। जो भी आपको नींद नहीं आती है, आपको टेंशन रहता है, आपको पेट की समस्या है, बालों की समस्या है, आँखों की समस्या है, ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनको सबको रिपेयर करने का हमारे बॉडी के पास वक्त बच जाता है। तो आपको कंटिन्यू इसी तरह से खाना खा के सो जाना है, बॉडी अपना काम करते रहेगी। सवेरे उठने के बाद हमें सवेरे नाश्ता या खाना जो होता है 11 बजे लेना है। दिन में जैसा ही सूरज ऊपर चढ़ता है हमारी पाचन जो क्रिया होती है काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है। इसके लिए आप अगर 7 से खाना खाने के बाद अगर सीधा 11 बजे अगर खाना खाते हो तो ये लगभग 16 घंटे का एक समय होता है। इसमें से आधा समय 8 घंटे आप नींद में बिताते हो और 8 जो घंटे होते हैं आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो। हाँ, इसमें एक क्लॉज है, अगर कोई बोलता है कि हमसे कंट्रोल नहीं होता है, हमें रात के 1-2 बजे के बाद भूख लगती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने नारियल पानी लेना है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं करेगा, उल्टा आपके हेल्थ को इसका बेनिफिट होगा। तो देखेंगे
इस तरह से अगर आप अर्ध उपवास या फिर 16 घंटे का उपवास अगर करते हो कुछ दिन, तो आपके बॉडी में काफ़ी अच्छे चेंजेस आएंगे, छोटी मोटी जितनी प्रॉब्लम्स है सब जड़ से निकल जाएगी और एक अच्छी एनर्जी के साथ आप रिचार्ज हो जाओगे और हर काम के लिए देखेंगे कि काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो बने रहे दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव विषय के साथ। जय हिंद।